कार्ड बांटे और सीएम के मुताबिक परिवार के इस वक्त 26 लाख कार्ड हैं और जिसमें बीपीएल और अंत्योदय कार्ड 8,63,000 हैं। और आज के कार्यक्रम के बाद इसमें 57,000 कार्ड और जुड़ गए। आपको बता दें कि कार्ड वितरण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया गया था और कई जिलों के लाभार्थियों से सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया। पंचकुला की बात करें तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के 455 और शहरी इलाकों के 72 नए परिवारों को बीपीएल में शामिल किया गया है। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन परिवारों ने फॉर्म भर रखे हैं उनका कार्ड जल्द बने। समारोह के दौरान लाभार्थियों ने परिवार पहचान पत्र के फॉर्म भी भरे और कई विभागों ने अपनी योजनाओं पर आधारित स्टॉल भी लगाए हैं। और इस कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कम्बोज, सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान करीब 92,27,00,000 की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। जहां बहुत कम कार्ड बने हैं या तो वहां इस प्रकार की जागरूकता नहीं आई या फार्म भरे गए तो वहां सर्वे नहीं हुआ, फार्म शेष रह गए। अभी मुझे जानकारी दी जा रही है कि 1,40,000 फार्म आज विभाग के अलग अलग स्थानों पर डीसी एडीसी ऑफिस में बाकी रखे हुए हैं जो शायद दर्ज नहीं हो पाए। तो मेरा निवेदन सभी अधिकारियों से भी है या जनता के वो लोग जो नए कार्ड बनवाना चाहते हैं, आज से इन सब कार्डों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। ये रजिस्ट्रेशन आज से खोल दी जाती है। आज के समय में कुल मिलाकर 26 लाख के लगभग कार्ड हैं जो परिवारों के कार्ड बने हैं, लेकिन उसमें बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के WAY के जो कार्ड हैं वो लगभग 10,60,000 हैं और आज 56,000 इसमें और जुड़ जाते हैं तो 11,15,000 कुछ कार्ड ये कुल मिलाकर हो जाएंगे। तो इसमें जो परिवार शामिल हुए हैं उनको सबको गेहूं अथवा चावल, चीनी और सरसों का तेल, ये लाभ इन परिवारों को मिलते हैं। बहुत आवश्यक चीज़ें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार की ओर से उनको सब्सिडी मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार से नहीं मिलती, प्रदेश सरकार अपनी ओर से, जैसे मस्टर्ड यानी सरसों का तेल 2 किलो प्रति परिवार हम देते हैं। तो इसमें प्रति परिवार 2 लीटर जो तेल है वो 20 रुपए लीटर का।